दर्शन करो राधा कुंड के। पहुंचे भाई हम श्री श्याम कुंड, ये देखो इनका। गाइस फाइनली पहुंचे हैं भाई कुसुम सरोवर, ये देखो रात के टाइम तो बहुत। तो भाई ये पूरा मंदिर परिसर है मानसी गंगा का, और हमें रास्ते में मंदिर मिला है ठाकुर श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। देखो भाई, बोलो भाई जय श्री कृष्णा राधे राधे। परिक्रमा होती है भाई यहाँ पे आके हमारी। गाइस अभी चलते हैं भाई छोटी परिक्रमा करने, जो कि कहते हैं कि 10 किलोमीटर की है। ये करती हूँ मैं 3 घंटे से कम में कंप्लीट, तो इसको भी ट्राई करते हुए देखते कितनी देर में कंप्लीट होती है। और मेन जो चीज़ है भाई कुसुम सरोवर राधा कुंड वगैरह सारा ही छोटी परिक्रमा भी पड़ता है। तो अभी हम चल पड़े भाई छोटी परिक्रमा स्टार्ट करने। ये देखो ये बोर्ड है छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। भाई 4 किलोमीटर हो गई है पूरी, अभी रह गई छोटे वाली परिक्रमा साढ़े लगभग 6 किलोमीटर। और हमें रास्ते में मंदिर मिला है ठाकुर श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। देखो भाई ज़बरदस्त मंदिर है इसका द्वार, और ये भाई पूरा मंदिर इतना भव्य है, ज़बरदस्त एकदम जाएगा भाई। देख लो अभी भाई राधा कुंड पहुँचने वाले हैं, 1 किलोमीटर रह गया राधा कुंड, वहाँ चल के आपको घुमाते हैं राधा कुंड। गाइस 4.5 किलोमीटर के लगभग कंप्लीट हुआ है, और रास्ते में मिला राधा कुंड, बहुत ही फेमस कुंड है ये, यहाँ पे आप पूजा वगैरह कर सकते हो। भीड़ भाड़ देखो भाई, करो दर्शन करो राधा कुंड के। भाई लोग यहाँ पे फूल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उधर भाई कुछ मंदिर वगैरह भी है, अरे पूरा कुंड का परिसर है भाई राधा कुंड का। जय राधे राधे मैया। राधे राधे कमेंट में लिख दो भाई एक बार राधे राधे। भाई 5 किलोमीटर आ गए छोटे वाले जो परिक्रमा है उसकी, 5 रह गई है भाई। यहाँ पे गाइस एक कृपा कुआ, एक गोपा कुआ गाइस, और इधर है कृष्ण कुंड। अब चलते गाइस आगे की तरफ। पहुंचे भाई हम श्री श्याम कुंड, ये देखो इनका श्याम कुंड का द्वार है, और यहाँ पे रामताल मंदिर है भाई, दर्शन कर लो भाई ये श्याम कुंड का। जय श्री श्याम। अब भाई निकलते आगे की तरफ। भाई 3.4 किलोमीटर रह गया है, और उससे पहले मैं मिला एक मंदिर जो है सूरज समर्पण मंदिर। ये देखो भाई वाइट कलर का, बहुत ही शानदार, रात के टाइम भी और प्यारा दिखता है। हम जब कल आए थे तो बहुत ही खूबसूरत था, अंदर से अभी तो बंद है, तो आप देख लो भाई जरूर विजिट करना यहाँ पे भी। तो भाई अभी चलते आगे, देखो अभी रहता है 3.4 किलोमीटर। चलो भाई चल रहे हैं आगे, आएगा कुसुम सरोवर, वहाँ वो दिखाते आपको भाई। गाइस फाइनली पहुँचे हैं भाई कुसुम सरोवर, ये देखो
रात के टाइम तो बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई। अब रात को लाइट वगैरह लगा देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता भाई है। इसके अंदर जो है एंट्री वगैरह बंद कर दी गई थी इस टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस सरोवर में डूब के भाई कई लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि वो नहाते थे यहाँ पे और गहरा तो ये है ही, तो भाई इस वजह से इसकी एंट्री यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बंद की गई थी। अभी पता नहीं एंट्री स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। एक बार यहाँ से दरवाज़ा आ गया कि इसका चेक करते हैं भाई कि एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। सरोवर में पानी गहरा है एवं बड़ी बड़ी शिलाएं भी हैं, अतः सरोवर में नहाना सख्त मना है। दरवाज़ा तो बंद लग रहा है, बंद है भाई दरवाज़ा इसका, इसका दरवाज़ा है बंद, इस वजह से एंट्री होगी नहीं भाई इसके अंदर। आपको यहीं से दिखा देते हैं, ये देखो भाई खूबसूरत एक नंबर, बिल्कुल रात को तो और भी खूबसूरत लगता भाई लाइट वगैरह चला के, एक नंबर का वजह था। तो देख लो भाई चलते गाई जाके, आगे देखते हो भाई और क्या मिलता है भाई। 1.5 किलोमीटर आ गया है और पहुंच गया भाई रास्ते में मंदिर है, मंदिर से देखो 500-600 मीटर रह गया परिक्रमा मार्ग, वो उस साइड से जा रहा है राइट में होके आप जैसे आएंगे तो इधर आपको मानसी गंगा मिलेगी। तो अभी आपको कराते हैं भाई मानसी गंगा के दर्शन, अंदर चल रहे हैं। इधर पहले एक मंदिर है और आगे गली में नीचे जाके मानसी गंगा भाई, वो मंदिर भी दिख रहा है बड़ा। चलो भाई मंदिर के भी दर्शन कराते हैं और मानसी गंगा भी विजिट कराते हैं आपको। भाई पैर ऐसे हो रखे बिल्कुल, उठने बहुत मुश्किल हो रखे भाई। फिर पहुंच गए भाई, एक बार निकाल देता हूँ शूज फिर चलेंगे अंदर। देखो भाई यहाँ का पूरा परिसर, ये पूरा परिसर है भाई यहाँ का और ये मंदिर है यहाँ पे। इधर है विराजमान यहाँ से प्रवेश द्वार, वो सामने माता जी विराजमान है भाई, देख लो एक बारी फिर चलेंगे अंदर। डॉक्यूमेंट में जय माँ गंगा लिख दो भाई एक बारी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चल रहे पीछे की तरफ, यहाँ पे सरोवर है ये भाई मैन मानसी गंगा माँ का सरोवर। देखो भाई दर्शन कर लो एक बारी, यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, कुछ लोग तो अंदर भी गए उधर और यहाँ भी अगर आपको तैरना आता आप वहाँ भी नहा सकते हो। उधर महिला घाट है, ये पुरुष घाट है भाई। तो भाई ये पूरा मंदिर परिसर है मानसी गंगा का, देख लो। और उधर से भाई एग्जिट, सबसे एग्जिट की तरफ, और यहाँ से देखो भाई पूरा सरोवर चेक करो एक बारी, इतना बड़ा भाई मानसी गंगा बोलते हैं इसको। और ये मंदिर तो है मेन मंदिर जो है यहाँ का। अब निकल रहे हम एग्जिट की तरफ, यहाँ से कुल
700 मीटर रह गया भाई गिरिराज मंदिर और जहाँ पे परिक्रमा समाप्त होती है, तो अभी यहाँ से ऊपर चल के पहुँचते हैं भाई। बोलो भाई जय श्री कृष्णा राधे राधे। परिक्रमा होती है भाई यहाँ पे आके हमारी समाप्त। भाई बहुत ही कठिन थी आखिर वाली छोटी परिक्रमा तो, क्योंकि बड़ी कर ली तो फिर छोटे वाली जो है वो बहुत बड़ी लग रही थी। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, इसमें लगा होगा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा तो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली। और भाई जय श्री कृष्णा जय श्री राधा रानी, फाइनली कंप्लीट हो गए परिक्रमा। उधर आपका भाई आगे जाके पड़ता है गिरिराज मंदिर, रोहतान घाटी मंदिर जिसको बोलते हैं, 550 मीटर इस साइड जाने के बाद, तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे आपको। अभी ये द्वार है भाई जहाँ पे परिक्रमा होती है समाप्त। गाइस फाइनली परिक्रमा होती है भाई समाप्त, जाने करने वाली है, कुछ बोलने को कुछ है नहीं। पैर उसने बंद हो रखे भाई, ये देखो लाइट, गाड़ी वाले ने बाइक में पीछे छोड़ा दिया। कोई ना भाई बच गए। तो भाई परिक्रमा हो गई फाइनली ख़त्म, अब मिल रही थोड़ी शांति। हर इनसे पूछवाते भाई हर इनको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, फील हो रहा है भाई आर्यन, थोड़ा आगे आ जा, देख कर ले आगे आने की हिम्मत होगी तब आऊंगा। अरे आ जा भाई, अरे आओ। अब बता भाई कैसा लग रहा है आर्यन भाई? बढ़िया लगा, आखिरकार परिक्रमा समाप्त हुई। अभी जाके कुछ 5-6 घंटे बाद भाई जैसी इच्छा होती है वो वैसे करता है। हमारी इच्छा थी पैदल करने की, हमने पैदल की, ई रिक्शा से भी कर सकते हो, 30 या 40 रुपये पर पर्सन लगते हैं। और आप पूरा ही बुक करते हो तो भाई 150 से 200 रुपये लेता है। तो इधर फाइनली यहाँ आके भाई अच्छा लगा कि भाई परिक्रमा समाप्त हुई। अभी मेन मंदिर की तरफ चलेंगे, उसके दर्शन करवाते हैं। एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख देना भाई, राधे राधे। तो गाइज ये था आर्यन का रिव्यू और मेरा रिव्यू ये था भाई कि मैं पहली बार आया था तो सही है, इन्जॉय किया, कुछ नया देखने को और सीखने को मिला। आया तो पहले हूँ, बचपन में छोटा था तब आया था, तब पता नहीं परिक्रमा की भी थी या नहीं की, बहुत टाइम हो गई, बहुत साल हो गए। तो परिक्रमा पहली बार की है, केदारनाथ वगैरह जाते रहते हैं, उधर कंपेरेटिवली मेरे को वहाँ ईजी लगा क्योंकि वो नंगे पैर नहीं करते, वो तो अपना कुछ भी पैर नहीं करो। तो भाई केदारनाथ कंपेरेटिवली ईजी क्योंकि वहाँ नंगे पैर नहीं करते, यहाँ पे नंगे पैर कहीं तो भाई पता चला कि जो फ्लैट एरिया समतल एरिया होता वो भी टफ होता चलना, क्योंकि अभी जिम वगैरह भी छूट रखी है, दौड़ वगैरह भी करनी बंद कर रखी है, तम्मी निकला हुआ थोड़ा थोड़ा, तो इससे पता चलता भी हेल्थ इशू भी है थोड़े, उस पर भी काम करेंगे। अभी जाते ही दौड़ वगैरह जिम वगैरह स्टार्ट करेंगे, अगली बार आएँगे तो वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। तो भाई इसी तरह जो परिक्रमा वाली वीडियो भाई, अभी जो मथुरा वृंदावन सीरीज दर्शन सीरीज जो चल रही है उसके भी कुछ और वीडियोज़ भी आने बाकी है। दान घाटी मंदिर गिरिराज मंदिर की वीडियो भी जा रहा हूँ मैं, उसके अलग वीडियो डालूँगा 2 दिन बाद, क्योंकि वो मंदिर थोड़ा अच्छा मंदिर है तो बड़ी वीडियो बनेगी, तो आपको वो आराम से दिखाऊँगा। वहीं से परिक्रमा स्टार्ट होने का मार्ग आ जाता है जो बड़े वाली है, तो भाई वहीं से परिक्रमा लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में मथुरा वृंदावन सीरीज़ की अगली वीडियो में। भाई अभी यहाँ ये मंदिर गिरिराज मंदिर निपटाने के बाद जो वीडियो गिरिराज मंदिर की आएगी, उसके बाद जाएंगे बरसाना, बरसाना राधा रानी का मंदिर है, कीर्ति मंदिर है, और जो भी मंदिर होगे पूरा विजिट करेंगे, आपको उनकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और आगे आने वाली वीडियोज़ के चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बरसाना वाली वीडियोज़ भी रहती है। तो भाई राधा रानी के वहाँ भी दर्शन कराएंगे आपको। तो भाई इस वीडियो करते हैं खत्म, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय राधे रानी।